बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जी आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से कर दिया गया सबसे बड़ा ऐलान और एक बड़ा नोटिस इस वक्त जारी हो चुका आप सभी की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले छात्रों छात्राएं दसवीं और बारहवीं की, यदि आप छात्र चौथा आए हैं तो आप सभी के लिए एक सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दो बड़ी गलतियां बताई गई। यदि आप उन गलतियों को करते हो तो आपको इस बार है वो फेल कर दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। उसके अंतर्गत क्या जानकारी और किस हिसाब से जो नियम है वो बदलाव किए गए, उसके हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मित्र के साथ में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए हमारे छोटी इस रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर सरकार कई सारे बड़े बदलाव करेगी। कुछ ऐसे भी बदलाव है जो छात्रों को खुश कर देने वाले, कुछ ऐसे भी है जो छात्रों को परेशान कर देने वाले हैं, और इसे भी दो बड़े फैसले निकल के सामने आ रही सरकार की तरफ से। जी हाँ, आपसे बता दें, देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ में शिक्षा विभाग और सरकार की एक हाईलेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने कुछ अहम फैसले किए। जी हाँ, सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करें तो इस बार आपको पेपर कोड सही से भरना होगा। यदि आप पेपर कोड को गलत भर देते हो तो आपको है वो इस बार फेल किया जाएगा, आपको कुछ भी है उसमें राहत नहीं दी जाएगी, तुरंत आपको फेल किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कॉपी खाली है वो जमा करा देते हैं, ऐसा करने पर आपके साथ में है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और कॉपी खाली यदि आप जमा है वो नहीं करवा सकते, ये भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर देगी। इसके अलावा बात करें रोल नंबर में कोई भी काटपीट होती है तो भी आपको इस बार फेल किया जाएगा। यदि कुछ भी काटपीट हो जाती है तो इसलिए आप सभी को सचेत रहना है और अपने रोल नंबर सही से भरने, ये भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है। इस बार आप सभी को कौन सा बदलाव अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, उसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।